हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 12th क्लास के पी ब्लॉक यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे। वो क्या है? वो हमारा रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18, यानी कि नोबल गैसेस के केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 18 की केमिकल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक में। तो ग्रुप 18 की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में अगर हम पढ़ें, तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्यों? नॉट वेरी रिएक्टिव, उसके रीजन भी हमने दिया था। एक तो क्या है, कंप्लीटली फील्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 जनरली है। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा रीजन था पॉजिटिव या जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी थी? पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव लिखो तो नेगेटिव हो जाएगी। अब इनकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं करेगा, इसकी वजह से लॉस नहीं करेंगे, और इसकी वजह से शेयर नहीं करेंगे, तो इनर्ट की तरह बिहेव करेंगे। टिल 1962 हम ये अज्यूम करते थे कि रिएक्ट ही नहीं करते। मार्च 1962 में जो नील बाटलर था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को रिएक्ट करवाया O2 के साथ। हेक्साफ्लोराइड प्लस O2, और उसका एक रेड कलर का आयनिक कंपाउंड बन गया। क्या बना? O2PTF6। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये रेड कलर का आयनिक कंपाउंड बना। मींस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ने O2 को क्या कर दिया, O2 को ऑक्सीडाइज किया O2 पॉजिटिव में। O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 पॉजिटिव। यहां से ऐसा लगा कि देखो, उसके माइंड में आया कि जो O2 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर है किसके साथ, जीनोन के साथ। क्या इसकी O2 की, मैं ऑक्सीजन की नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, O2 मॉलिक्यूल या O2 गैस, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी होती है, 1175 किलो जूल पर मोल। इसकी कितनी होती है, 1170, तो नियरली सिमिलर। जो इसका मोलिकुलर जो रेडियस है, डायमीटर है, वो भी 4 एंगस्ट्रॉम है, और इसका भी एटॉमिक रेडियस कितना है, वो भी 4 एंगस्ट्रॉम है। इन सिमिलरिटीज की वजह से उसके माइंड में, देखो कब कोई भी साइंटिस्ट काम कर रहा है, एक चीज़ आई, दूसरी उसके सिमिलर होती दिख रही है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। उसने क्या किया, यही रिएक्शन जीनोन के साथ की, और उसको क्या मिला, उसको मिला XEPTF6 नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक ऑरेंज कलर का कंपोनेंट मिल गया उसको, ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड बना, जिससे ये पता चला कि भाई जीनोन ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, और अगर एक रिएक्शन आ जाए तो फिर बाकी एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। उसके बाद तो आज हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें ये रिएक्ट किया, और इसने +2 +4 और +6 और +8 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हैं जीनोन ने। +2 में तो क्या बनाता है, XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड बनाएगा। +4 में XeF4 भी बनेगा, XeOF3 OF2 भी बनेगा, बस ये दो बना देंगे,
प्लस फोर में प्लस सिक्स में बढ़ा लेंगे एक्स ई एफ सिक्स, एक्स ई ओ एफ फोर, एक्स ई ओ टू एफ टू एंड एक्स ई ओ थ्री। प्लस एट में क्या बना लेंगे हम, इसको अलग से ही पढ़ते हैं वैसे हम, एक्स इसमें प्लस एट में बनाते हैं एक्स ई ओ फोर अकेला। तो अभी इतने कंपाउंड हो गए। अरे अब इन कंपाउंड्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वाटर के साथ इनका हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे इन सभी का केस में और स्ट्रक्चर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, अभी मैं इसको नीचे वाले को रख लेता हूँ, फिर इनके प्रिपरेशन और हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, या स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरा एक साथ उठा देता हूँ मैं। अदरवाइज मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ क्योंकि इसमें से स्ट्रक्चर ही मेन है, ज़्यादा तो वही आते हैं एग्जाम में। प्रिपरेशन कैसे करें एक्स ई एफ टू के, इसको पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन कर लो इसके, एक्स ई के साथ हम एफ टू डालते हैं, बाई पार्ट क्या रेशियो लेंगे एक्स ई और एफ टू का, इसके लेंगे टू पार्ट्स और इसका लेते हैं हम वन पार्ट। टू पार्ट इसके लेंगे, वन पार्ट इसका लेंगे और इसको हम हीट करेंगे 673 केल्विन टेम्परेचर पर वन बार प्रेशर। तो क्या बन जाएगा एक्स ई एफ टू। अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर के, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एट, मोनोवैलेंट कितने हैं टू अपॉन टू फाइव। अगर पांच आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, मॉलिक्यूलर फॉर्म से भी निकाल सकते हो। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना चाहे तो जिन्हें में क्या होगा, ये है हमारे, इसमें होता 2s2 2p3 2p6 सॉरी 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। जैसे आयोडीन में फिफ्थ थे, इसमें भी फिफ्थ सेल ही आती है। अब ये होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है एक्साइटेड में, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या आएगी, वो डिपेंड करेगा हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग, 5s 5p 5d वैकेंट। अब बॉन्ड कितने बनने हैं, बॉन्ड बनने हैं दो, तो हमें हाफ फील्ड चाहिए कितने दो, उसके लिए क्या होगा एक ही इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां चला जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएंगे, एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा एक यहां। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp3 ds ये p और ये d। sp3d में लोन पेयर कितने हैं 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 एंड 2, वही यहां से आएगा। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, बॉन्ड पेयर कितने इसमें से जो यहां पर जुड़े हैं XCF2 है 2, लोन पेयर कितने हैं टोटल में से सबट्रैक्ट कर दो 5 माइनस 2 3, वही आएंगे 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। वैसे sp3d में हाइब्रिडाइजेशन कैसी बनती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब इसमें तीन क्या रह जाएंगे लोन पेयर रह जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि एक्स ही ये 2 तो बॉन्ड पेयर, और जो ये 120 के एंगल पर आने थे तीनों ये क्या रह गए लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा डिस्टेंस गैप वाले ही बनेंगे, ये तो 90 के बॉन्ड पर थे। शेप कैसी है लीनियर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे 90 के एंगल पर है, लीनियर शेप आएगी। समझ आया। अब मैंने बोला था हम इसका हाइड्रोलिसिस और करके देखेंगे, एक्स ई एफ टू जो है अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर दूं तो इसका स्लो होगा लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, स्लो बट कंप्लीट। वो H2O भी डाल सकते हो, कोई डाइल्यूट एल्कली डाल के भी रिएक्ट करवा सकते थे हम, ये डाल लेंगे तो यहाँ से कंपोनेंट क्या बनेंगे हमारे, हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जिनोन तो अलग निकल जाएगा और HF अलग से निकल जाएंगे और O2 बैलेंस कर दो, O2 निकलने के लिए कितने चाहिए 2,
अब ये फोर हो गए तो ये हाइड्रोजन यहाँ कितने चाहिए, फोर। फ्लोरीन कितने हो गए, फोर, यहाँ टू है, यहाँ लगा दो टू। अब ज़ीनोन के आगे भी, अगर मैंने कहा अल्कली HCF2 के साथ में NaH डाल दो, तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HC तो अलग से NaF आ जाएगा, इसमें HF की जगह Na है तो NaF आ गया, और क्या निकल जाएंगे यहां से, जो OH है ये हमारे H2O बन के, और क्या आएगा H2O के साथ में, उसी की तरह O2 भी आएगी। बैलेंसिंग करो इसके केस में भी, बैलेंसिंग इसकी करोगे यहाँ पर फोर पर जाके बैलेंस होगा, फोर एन ए निकल जाएंगे तुम्हारे, तो फोर एन ए आ जाएंगे, फोर जीनोन निकल जाएंगे। अब क्या बच गए तुम्हारे, एच है तुम्हारे पास फोर और ओ भी थे फोर, तो दो चारों एच आ गए, चारों ओ आ गए, बैलेंस है। यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होने पर प्रोडक्ट देंगे, गॉट इट। तो एक्स ई F2 हमने कर लिया, अब हम करते हैं HCF4 या फिर उसकी रिएक्शंस। अब HCF4 के लिए हम बेसिक पॉइंट यही उठा लेते हैं जैसे इसमें किया था, हम इसको डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्ट करवा के भी बना सकते हैं। जीनोन है, हमने F2 डाल दिया, कितना 2F2, क्या बनेगा हमारा HCF4। अब रेशियो क्या लेते हैं, हम रेशियो लेते हैं 1:5 पार्ट्स की, HC और F2 का जो पार्ट है इनकी रेशियो क्या होगी, 1:5 ये होगी रेशियो, तब ये रिएक्ट करेंगे। टेम्परेचर कितना करेंगे, उसमें 673 था, इसमें 873 केल्विन है, उसमें 1 bar प्रेशर था, इसमें 5 to 6 bar प्रेशर करेंगे, ये बन जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, एक्स वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, मोनोवैलेंट कितने जुड़ रहे हैं 4/2, यानी कि आया 6, 6 हो तो sp3d2, कैसी आएगी sp3d2। चलो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें शेप कैसी बनती है xc3f2 में, d2 में सॉरी, ये बनती है ऑक्टाइडल, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने रह गए 2, तो ये ऊपर नीचे तो क्या आ जाएंगे लोन पेयर, और बाकी चारों क्या आ जाएंगे बॉन्ड पेयर, 1F 2 3 और 4, ये दोनों क्या रह गए लोन पेयर। इस शेप को हम क्या नेम देंगे, ये एक स्क्वेयर प्लेनर हो गया, तो स्क्वेयर प्लेनर शेप हो जाएगी। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, हमें अब बॉन्ड कितने बनाने हैं 4 HCF4 में, तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ये, एक तो यहाँ से चला गया, एक यहाँ से यहाँ, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन और चार। हाइब्रिडाइजेशन sp और d में क्या आई sp3d2, लोन पेयर कितने 1 and 2, बॉन्ड पेयर कितने 1, 2 and 3 and 4, वही सेफ है। इसके केस में भी हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा xef4। अब हाइड्रोलिसिस करते वक्त हम ये देखेंगे कि भाई हमने कंट्रोल्ड किया है या सिंपल कंडीशन में इसका हाइड्रोलिसिस होने दिया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारे अलग अलग आएंगे। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं एक्सेस वाटर है नॉर्मल कंडीशन में करें, तो क्या आएगा, तो ये बनाएगा XE प्लस, यहां पर आएंगे हमारे HF प्लस, एक ये बनाता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड XeO3 प्लस, यहां पर हमारा बनता है O2। ये कंपाउंड्स बनते हैं, ये काफी एक्सप्लोसिव है। बैलेंसिंग इसकी जाके होगी हमारी यहां 6 पर, यहां 4 या जाएंगे 2, ये बन जाएंगे
एच एफ आ जाएंगे 24, 12, 3 2 6 और 6 O2 आ गए। सारी चीजें इसमें बैलेंस हैं, ठीक है। अगर मैं इसका ग्रुप करूंगा तो हम जो XeF4 है इसको रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ, कैसा? कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब है हम इसको अब लेंगे टेम्परेचर -80°C पर, तब हमारे प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे? तब हमारा एक तो आता है XeOF2 एंड HF। बैलेंसिंग कर दो इसकी, बैलेंसिंग करोगे XeOF ये 4 है तो यहां पर क्या लगेगा, 2 लगाने पर, तो फिर या जीनोन भी बढ़ाने पड़ेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो यहां क्या लग गया, 2 फ्लोरीन तो यहां गए, 2 वहां थे, 2 एच थे, बैलेंस हो गया। अब देखो हमारी जो प्रिपरेशन होगी XeOF2 ये होगी ना यहीं पर, उसकी प्रिपरेशन ये डाल दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, नेक्स्ट का हमारा हो गया, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट XeOF2 की मैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताता हूं, बस प्रिपरेशन में ये डाल दोगे। XeOF2 प्रिपरेशन ये रही, इसकी अगर मुझे शेप बनानी है तो क्या बनेगी? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर देख लेते हैं, एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, मोनो, इसके वैलेंस सेल में मोनोवैलेंट बॉन्डेड कितने हैं, 2, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, अपॉन 2 कितना आएगा, 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चाहे इस फॉर्मेट में कर लो, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड कितने बनेंगे, 2, तो ये 2 ये भी बनाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे, इसी टाइप से आएगा, इसमें क्या रह जाएगा, पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d। लोन पेयर कितने होंगे इसमें, लोन पेयर रहे 2, बॉन्ड पेयर कितने होंगे तुम्हारे, 3। अब बनाओ, XE है 5 होते हैं तो हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से बनती थी। अब इसमें लोन पेयर कितने रह गए, 3 तो है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है इसमें 2, जो यहां पर भी बताया हमने, चाहे यहां से कर लो। अब लोन पेयर इसमें 2 हैं तो कहां पर आएंगे, ये दोनों आ जाते हैं XE, ये दोनों रह गए लोन पेयर, और बाकी 3 के आगे बॉन्ड पेयर, फ्लोरिन फ्लोरिन फ्लोरिन। कैसी शेप है ये, टी शेप, कोई ऐसे में पजल हो तो चाहे ऐसे बना लो इसको, बात तो वही है। तो ये क्या आ गया XE, यहाँ फ्लोरिन फ्लोरिन फ्लोरिन, ये दोनों क्या रह गए लोन पेयर। कैसी बनेगी इसकी शेप, टी शेप। अब जो नेक्स्ट है वो हम ये कर लेते हैं XeF6, चलो इसको देखते हैं। बाकी को इरेज कर देते हैं कंप्लीट को। XeF6 कैसे बनाएंगे, एक तो मेथड वही है, हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दें किस किस का, जीनोन का और फ्लोरिन का। XeF6 इसकी जो प्रिपरेशन है, हम लेंगे XE एंड F2 कितना, 3। अब इसमें रेशियो क्या लेंगे XE और F2 की, रेशियो लेते हैं 1:20 पार्ट्स, ये रेशियो लेंगे 1:20 पार्ट्स की। जब ये रिएक्ट करेगा 573 पर, प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 60-70 एटमोस्फेरिक, तब ये क्या होगा, ये बनेगा XeF6, गॉट इट। स्ट्रक्चर कैसी आती है इसकी, डिस्टोर्डिक
ऑक्टाहाइड्रल आएंगे। कैसे? एक्स निकालो कितना आएगा, 8 + 6/2 7 आ गया। बॉन्ड पेयर कैसे आएंगे, इस कितने आएंगे, इसमें बॉन्ड पेयर आएंगे 6, लोन पेयर होगा 1। चाहे इस तरीके से कर लो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी इसके, 5s2 5p6d वैकेंट है। बॉन्ड कितने बनने हैं, 6, तो वैकेंट कितने चाहिए, 6, एक ये और एक ये, यहाँ चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनी थी हमारी ये, फिर एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 3 यहाँ पर आए। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई, sp3d3। लोन पेयर कितना है इसमें, 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके केस में शेप कैसी बनती है, वैसे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनती है, अगर 7 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर रहा तो ये इस हिसाब से जुड़ जाते हैं। एक्सी पेंटागोनल होता है वो ऐसे बनता तुम्हारा, और 2 यहां पर आते तुम्हारे, ये ऐसे लगा लो, ये पेंटागोनल होता तुम्हारा, इस साइड बना दिया मैंने, ये पेंटागोनल और ये 2 बाइपिरामिडल, ये बनने थे। अब इसमें क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा लोन पेयर, ये क्या रह जाएगा, लोन पेयर रह जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, 5 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी शेप, एक हिसाब से डिफॉल्ट डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल टाइप की बन गई ना, एक यहां पर भी था F, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, कि प्रॉपर ऑक्टाइडल ना बनके थोड़ा डिस्टोर कर रखा है वो, खराब से शेप वाला ऑक्टाइडल बन जाता है। गॉट इट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम, XeF6। एक तो हाइड्रोलिसिस करूं मैं, अगर जो मॉइस्चर है हमारी, किसमें, एयर में जो मॉइस्चर है H2O उसके साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक तो XeO3, पिछले में भी बना था हमारा एक में XeO3 जो एक्सप्लोसिव है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गए दोनों, जिनमें ये XeO3 बना है। प्लस क्या बन जाएगा इसमें, इसमें हमारा बन जाएगा HF। XeO3 3 चाहिए ये, तभी 3 आएंगे। अब 6 हाइड्रोजन है, 6 फ्लोरीन है, तो 6 HF बन गए, बैलेंस है। इसकी प्रिपरेशन भी होगी साथ में। अगर मैं करूं XeF6 को प्लेटिनम वेसल में हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस के हिसाब से, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है XeOF4 प्लस यहां से निकल जाएंगे HF कितने, 2 4 F6 है, सॉरी 4 नहीं, 6 थे 4, तो यहाँ आगे 2 वहाँ चले गए, सारी चीज़ बैलेंस है। XeF4 की प्रिपरेशन ये होगी, XeOF4 में चलेगा ये, तो ये प्रिपरेशन किसकी होगी, XeO3 की। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर और कर देते हैं, OF4 की और O3 की। XeO3 X निकाल दो कितना आएगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कोई नहीं है, अपॉन 2 यानी कि 4, 4 है तो sp3 क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3, लोन पेयर कितने होंगे, 1। अब टेट्राहेड्रल बनती शेप, अगर 4 है तो ये वाली, अब एक तो रह गया इसमें लोन पेयर, 3 क्या गए, बॉन्ड पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये बन जाएंगे, दिखा सकते हो। ऐसे ही मैं बनाऊं XeF4 की शेप, XeOF4
इसमें एक्स निकाल लेंगे कितना आएगा, मोनो इसके वैलेंस एलिमेंट मोनोवेलेंट बॉन्डेड 4 है, बाय 2 6 आ गया, नहीं हाँ 6 12 बाय 2 6 आया। अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें, बॉन्ड पेयर होंगे 4 और 1 5, लोन पेयर कितना होगा 1 6 है, तो शेप कैसी होती है, होती है ऑक्टाइडल। लोन पेयर कितना है 1, किसी एक को बना देंगे हम, ये लोन पेयर बना दिया, चलो ये बाकी क्या रहेगी बॉन्ड पेयर, इनमें से एक तो है डबल बॉन्ड, ओ बाकी चारों क्या लग गए फ्लोरीन, शेप कैसी होगी ये स्क्वायर पिरामिडल, कैसी रह जाएगी स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी, गॉट इट। ये भी सारे कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ बच गया हमारा एक्स ई ओ 4 और एक करेंगे हम एक्स ई ओ 2 एफ 2 ये और एक्स ई ओ 4 ये दो करते हैं, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ। अब चलो हम करते हैं एक्स ई ओ टू एफ टू, तो अगर मैं इसकी प्रिपरेशन करूं तो अभी लास्ट हमने किस किस की थी, एक्स ई ओ 3 की एंड एक्स ई ओ एफ 4 की, इनकी की है। अगर मैं ये दोनों लूं और एट वेरी लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पर लें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बनाएंगे हमारी एक्स ई ओ टू एफ टू ट्वाइस, बन गया। इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, निकाल लो इसमें भी एक्स एक्स ई ओ टू एफ टू में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, मोनोवेलेंट कितने हैं 2 क्योंकि ऑक्सीजन तो डायवेलेंट है ना, वो नहीं लिया हमने 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 4, लोन पेयर कितने होंगे 1, एक लोन पेयर होगा और बाकी 4 बॉन्ड पेयर आएंगे। अब 5 आए तो शेप ये आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, चलो एक्स ही तो हम यहाँ लगा देंगे। अब लोन पेयर भी चलो हमें पता है कौन सा बनेगा, ऐसे केस में ऊपर वाला ही बनेगा। अब बॉन्ड पेयर में ये नहीं है कि हमारी मर्जी है कि मैं यहाँ दो ओ लगा के यहाँ दो एफ लगा दूँ या यहाँ दो एफ लगा के वहाँ यहाँ ओ लगाऊँ या एफ लगाऊँ, नहीं, इसके केस में यहाँ तो आएंगे हमारे फ्लोरीन जो 90 के एंगल पर है बॉन्ड, और ये जो 120 पर है जिनमें ज़्यादा गैप है वहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में नहीं तो रिपल्सन, इनके बीच में फ्लोरीन के केस में नहीं तो रिपल्सन क्या जाएगी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के केस में 3-3 लोन पेयर बचते हैं। ये बनेगी सेप, इस सेप का नाम सबको पता है क्या है, सीसो। गॉट इट। अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है एक्स ई ओ 4 लास्ट बच गया, तो इसको बनाते हम या तो सोडियम जेनेट से या बैरियम एक्स ई ओ 6, इसके साथ हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये अगर रिएक्ट करेंगे तो एक तो हमारा डिजायर कंपाउंड क्या बन जाएगा XeO4, और क्या निकल जाएगा सोडियम बनेगा Na2SO4, अब सोडियम 2 है तो ये कितने बन जाएंगे Na2SO4, 4 हैं तो 2 बन जाएंगे, क्या बच गया हमारे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बच गए, ये भी ट्वाइस करना पड़ेगा, और 2 H2 बच गए तो ये बच जाएंगे 2H2O। बैरियम वाला केस लोगे तो XeO4 ये तो कॉमन रहेगा, Na की जगह क्या जाएगा BeSO4, बैरियम 2 है तो ये 2 लगा दिया, और क्या निकलेंगे वही H2O निकलेंगे, अब 2 बैरियम है तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, वही 2H2O निकल जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर कर लो, जिनोन के वैलेंस सेल में कितने हैं 8,
मोनोवेलेंट जीरो यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। लोन पेयर कितने होंगे? 0, यानी कि जीनोन की टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी ये। लास्ट बच गई इसकी यूज, जो तुम्हारे लिए है कि कौन सी गैस कहाँ यूज होगी। हीलियम से शुरू कर दो लास्ट तक, जैसे हीलियम का तो सी ड्राइवर्स के उसमें भी किया था हमने, जो सिलेंडर लेके जाएंगे ताकि अंदर N2 ना जाए। इस टाइप से यूजेस गिवन है बुक में, सबके यूजेस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए। ये यूनिट कंप्लीट है, इसको पूरी तरह प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट है ये। आज वाला ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर पूछता जिनोन पर, और CBSE में तो रिएक्शन भी पूछ लेता है यहाँ से। ओके।